गुड मॉर्निंग गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और बानू कुछ बोलना चाह रही है गाइस। हेलो गाइस, तो अभी आ गए हैं जसोला पोलो के नीचे जो न्यू मॉल बना है ना। हाँ, तो अब देखने जाइए, देखते ना अच्छे पार्क में चुनुट का मन करते ना। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आज मेरी छुट्टी है, वानु स्कूल गई है और मैं जा रहा हूँ पुरानी जो मेरी सोसाइटी थी जहाँ मैं पहले रहता था उस साइड में जा रहा हूँ। और जो है दिल्ली में जो है काफ़ी समय कांवड़ियों का जो है लाइन लगी हुई है। और दो चीज़ें हो रही है, एक तो कांवड़ियों के लिए जो है आजकल बहुत टेंट लगे हुए हैं सड़क के किनारे, मैं भी दिखा रहा था, बट वहाँ पर जो है ट्रैफिक की वजह से जो है पुलिस वाले ने बोले कि आप जो है आगे चले जाइए क्योंकि वहाँ पर फिर जाम लग जाता है। और दूसरा ये कि पानी दिल्ली में शायद कुछ जगह में जो है भरना शुरू हो गया है और कुछ जगह का जो है ट्रैफिक में डाइवर्ट किया गया है पानी की वजह से। तो हालांकि आज बारिश नहीं हो रही है, फिर भी मुझे लग रहा है हरियाणा से या कहीं से जो है पानी दिल्ली में इंटर कर रहा है, तो उसकी वजह से कुछ कुछ जगह में रूट डाइवर्ट किया गया है। साउथ दिल्ली साइड में नहीं, ईस्ट दिल्ली साइड में कुछ रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। तो मैं बता रहा था कि कुछ जगह जो है दिल्ली में रूट डाइवर्ट किए गए हैं, पानी शायद कई जगह भर गया है दिल्ली के कुछ एरिया में, ईस्ट साइड में, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो बट साउथ दिल्ली में कोई अभी उसका वो नहीं आया है कि अलर्ट नहीं आया है यहाँ पे कुछ पानी भर गया है या फिर रूट डाइवर्ट किया गया। बट अभी मैंने चेक किया कि नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है डाइवर्ट किया गया है रूट को। गाइज ये देखिए, यहाँ पर जो है कांवड़ियों के लिए जो है टेंट लगाया गया है। तो दिल्ली NCR में बहुत सारी जगह जो है कांवड़ियों के लिए रेस्ट करने के लिए या पानी वानी पीने के लिए उनको जो है यहाँ पर व्यवस्था की जाती है सड़क के किनारे। तो यहाँ पर भी बदरपुर साइड में भी जो है टेंट लगाए गए हैं, एक तो सरिता विहार में लगा हुआ था रोड से बाहर आते ही, और एक यहाँ पर लगा गया है और एक आगे NTPC पड़ता है वहाँ पर भी लगाया गया है शायद, क्योंकि वहाँ पर हमेशा लगता है जो लोकल नेता या लोकल लोग होते हैं वो वहाँ पर जो है व्यवस्था करते हैं कांवड़ियों के लिए। तो इस टाइप से कांवड़ की जो है रेस्ट करने के लिए व्यवस्था की जाती है जगह जगह पे। तो अब हम चलते हैं आगे। गाइस, जब मैं पुरानी सोसाइटी से वापस आ गया हूँ घर की तरफ, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मिले, हमें भी मिले थे जो हमारे क्रिकेट के वो हैं, स्टार हैं, कैप्टन हैं और क्रिकेट के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ घर को। भाई अभी शाम को लगभग 5:05 हो गया है और मैं आया हूँ दीपक के ऑफिस, दीपक को पिक करने, क्योंकि मेरी आज छुट्टी है। तो
अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उनकी छुट्टी होने में। और इधर पानी भर गेट के आसपास पूरा पानी है, ये देखिए। और नया ऑर्डर आया साथ दिल्ली में, कल जो है ऑनलाइन क्लासें होंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि कई जगह पानी भर गया है और स्कूल बंद है। तो देखते हैं, छुट्टी के दिन जो है थोड़ा एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करनी पड़ती है पिकअप ड्रॉप की। आज वानू को भी स्कूल छोड़ने गया था और अब जो है दीपा को लेने आया हूँ यहाँ ऑफिस। तो जब दोनों वर्किंग होते हैं तो एक्स्ट्रा तो वर्डन आ ही जाता है, आप लोगों को पता होगा। और जो है अभी थोड़ा टाइम है तो मुझे थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा अभी बाहर ही, क्योंकि अंदर उनके ऑफिस के अंदर भी शायद काफ़ी पानी भरा हुआ है। तो मैं यहीं वेट करता हूँ और फिर हो जाएगा तो उसके बाद जो है, ये देखिए, उसके बाद जो है जाएंगे दीपा को लेने। ये देखिए गाइस, पानी कितना भरा हुआ है। और हम लोग हैं इस समय फरीदाबाद में, देखो पानी यहाँ पर लबालब भरा हुआ है, ये देखिए। और यदि किसी की गाड़ी ऐसे में अटक जाए तो फिर तो मुश्किल ही है चलना उसका।